हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का टीवी आया हुआ है। आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, UA32J4100AR। ये टीवी नो पिक्चर कंडीशन में आया हुआ है। टीवी अभी फर्स्ट टाइम हम ही खोलेंगे इस टीवी को। ये इससे पहले रिपेयर नहीं हुआ है। करीब 5 साल 6 साल 7 साल के आसपास ये टीवी चला है, कस्टमर का कहना है। चलिए हम इसको ऑन करके देखते हैं इसकी कंडीशन। आप देख सकते हैं सैमसंग का टीवी है, ये ब्रांड है, ओरिजिनल है, सैमसंग है। टीवी ऑन हो चुका है लेकिन स्क्रीन में कोई पिक्चर नहीं है। इसमें देख सकते हैं इसमें बैकलाइट ग्लो कर रहा है। हम जब स्क्रीन में प्रेस करते हैं तो बैकलाइट जलता हुआ हमें दिखता है, लेकिन ये नो पिक्चर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कोई हरकत नहीं है, ना कोई बार है, ना कोई लाइनिंग है, ना कुछ है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन है। कोई पिक्चर इसमें नहीं बन रहा है। तो चलिए हम टीवी को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। दोस्तों, इस टीवी में हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को फॉलो करेंगे, सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से फॉल्ट हम रिपेयर करते हैं और किस तरीके से हम फॉल्ट तक पहुँचते हैं कि एक्चुअल में फॉल्ट है कहाँ का और क्या चीज़ ख़राब है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजफुल कॉन्टेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की मदरबोर्ड लगा है, पावर सप्लाई और पैनल जो है इसमें सिंगल कॉप का लगा हुआ है। स्पीकर को हमने हटा लिया है क्योंकि हमें काम करने में दिक्कत होगा इसमें। ये जो फॉल्ट है, फर्स्ट चांस में हमें यही लग रहा है कि ये पैनल का फॉल्ट है। हम जब तक सारे वोल्ट वगैरह मेजर नहीं करेंगे तब तक ये बता पाना मुश्किल होगा कि एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ का है। तो आप वीडियो में बने रहें, हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें आपको बताएंगे। इसका पैनल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, 32AN01S4LV0.2 इसका पैनल नंबर है। ये सिंगल कॉप पैनल है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैनल है। कोई भी ब्रांडेड कंपनी जो पैनल यूज़ करते हैं थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही यूज़ करते हैं, हालांकि शिकायत बहुत कम आता है और जब आता है तो परेशान भी बहुत करता है हालांकि। तो इसमें हम सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें VCC पहुंच रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। टीवी को हम ऑन कर लेंगे, खास करके VCC सप्लाई में मेजर करना है। दोस्तों, और एक बात, ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, ये एक कंपनी से मुझे अभी अभी रिसेंटली गिफ्ट में मिला है। वो हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वहाँ पर उन्होंने एक गीज़र देने का वो किया था अभी नवरात्रि में। तो हमने कहा कि गीज़र का क्या करेंगे, आप हमें चाहो तो एक मल्टीमीटर दे सकते हैं। हालाँकि हमने उनको रिक्वायरमेंट नहीं दिए थे कि हमें क्या मल्टीमीटर चाहिए, तो उन्होंने ये फ्लुक का एक मल्टीमीटर भेजा है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये मल्टीमीटर भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल फ्लुक का ही जो है मार्केट में जोड़ है और इसी को लोग ट्रस्ट करते हैं और इसका जो एक्यूरेसी है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, बेस्ट में से एक है। चलिए अब हम इसमें वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट सप्लाई होगी VCC हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए 12 वोल्ट का पैनल है, इसमें 12 वोल्ट जो है ओके है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो DC-to-DC IC है, ये 12 वोल्ट DC-to-DC IC में इन हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये सीधे DC-to-DC IC में आएगा। तो यहाँ जो इनपुट सप्लाई है चेक कर लेते हैं, VIN 12 वोल्ट यहाँ ओके है। उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट सप्लाई इसमें हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, वो है या नहीं। तो 3.3 वोल्ट यहाँ, इसमें सारे टेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आप सिर्फ आपको चेक करना है। यहाँ 3.3 वोल्ट की जगह देखिए 3.26 बन रहा है, मतलब ठीक है, इतना चल जाएगा। और उसके बाद है AVDD सप्लाई जो है 0 है, नहीं बन रहा है। और यहाँ पर है V ऑन,
वी ऑन की सप्लाई वन, ये वेरी हो रहा है, टू वन टू वन करके वेरी हो रहा है। फिर आएंगे हम यहाँ पर है एच बी डी डी, एच बी डी डी की सप्लाई नहीं बन रहा है, एच बी डी डी भी नहीं बन रहा है इसमें। उसके बाद बचा है अपना वी जी एल, जो वी ऑफ कहते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है वी ऑफ का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं वी ऑफ का टेस्ट पॉइंट है। वी ऑफ की सप्लाई देख सकते हैं माइनस फाइव वोल्ट तक जा रहा है और फिर टू वन थ्री हो रहा है, ये वेरी हो रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो अब जो है इसमें हमें देखना ये है कि ये फॉल्ट जो है कहाँ का। वी सी सी सप्लाई इसमें ओके है 12 वोल्ट और बाकी कोई बूस्ट सप्लाई नहीं बन रहा है, 3.3 वोल्ट ओके है। तो कुछ भी हो सकता है, कॉप भी ख़राब हो सकता है, इसमें डैमेज हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को आपको समझना होगा, चेक करना होगा। तो हम एक काम करेंगे इसमें, सबसे पहले हम कूल टेस्ट करेंगे क्योंकि वोल्टेज जो है ये बूस्ट नहीं हो पा रहा है और बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो कूल टेस्ट के जरिए हम देखेंगे शॉर्टिंग। इसके लिए आपको रेड प्रॉप को ग्राउंड के साथ जोड़ना है, ब्लैक प्रॉप से आपको चेक करना है, तो आपको ज़्यादा आसानी होता है, सहूलियत होता है, समझने में ज़्यादा आसानी होता है। तो हमने देखे रेड प्रॉप को ग्राउंड कर दिया और ब्लैक प्रॉप से हम चेक करेंगे। वी सी सी तो ओके है तो चेक करने की कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम बाकी की जो टेस्ट पॉइंट है सारे टेस्ट पॉइंट पे बारी बारी से हम प्रॉप रख कर चेक करेंगे। यहाँ वी ऑफ की टेस्ट पॉइंट है, यहाँ देख सकते कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, वी ऑफ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। मीटर तो सही कनेक्ट है हमारा, कनेक्ट है वी पा रहा है, तो वी ऑफ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है और जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है उसमें भी नहीं है। यहाँ वी ऑन है इसमें भी नहीं है, सॉरी एच बी डी डी, और यहाँ वी ऑन वी जी एच इस पर भी नहीं है कोई शॉर्टिंग, कोई शॉर्टिंग। यहाँ देखिए ये एबीडीडी में हमें कुछ दिक्कत दिख रहा है, आप देख सकते हैं 16.54 ओम्स की यहाँ शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है एबीडीडी पे। ये देखिए 17 ओम्स के आसपास एबीडीडी पे शॉर्टिंग हमें नज़र आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं एबीडीडी का टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए लगभग 17 ओम्स की शॉर्टिंग है एबीडीडी पे। यहाँ से एक 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा है और फिर यहाँ ऊपर कैपेसिटर तक गया है ये सप्लाई, तो यहाँ कुछ कैपेसिटर भी लगे हैं। तो देखना ये है कि कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर कुछ और, ये एबीडीडी सप्लाई जो है कॉप पे भी जाता है तो कॉप भी शॉर्ट हो सकता है। तो हमें ये सारे कैपेसिटर को पहले चेक करना है क्योंकि कैपेसिटर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटर पे ये ऊपर साइड जो है ग्राउंड की है, यहाँ पर बिल्कुल 0 ओम्स है और जो नीचे साइड है यहाँ पर 17 ओम्स की शॉर्टिंग हमें दिख रहा है। ये देखिए 16.789 जो कि 17 ओम्स की शॉर्टिंग हमें इस पीएफ पर दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों ये पीएफ शॉर्टिंग निकालना, कौन सा पीएफ ख़राब है, ये अगर आप फर्स्ट तरकीब अपनाना चाहे तो एक जुगाड़ है हमारे पास। आप देखेंगे यहाँ 4-5 पीएफ लगे हैं, तो इनमें से कौन सा पीएफ शॉर्ट है ये कैसे पता करेंगे, कहाँ शॉर्टिंग है, तो एक जुगाड़ लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस सारे पीएफ पे फ्लक्स लगा लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ शॉर्टिंग हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर पीएफ शॉर्ट होते हैं। तो इस पर हम पहले फ्लक्स लगाएंगे और फिर देखिए हम एबीडीडी पर टच करेंगे टेस्ट पॉइंट पे। अरे ये एक्चुअल में एक 0 ओम्स का रेजिस्टेंस था, हमें उस पर देना था, हमने नीचे दे दिया। ये देखिए ये वाली पीएफ, ये बीच वाली पीएफ ये शॉर्ट है, हमने गलती से रेजिस्टेंस के इस पर टेस्ट पॉइंट पे दे दिया तो रेजिस्टेंस फायर हो गया। खैर उसको हम जंपर कर देंगे, 0 ओम्स की है। आपने देखा किस तरीके से हमने ये फट से हमने ये शॉर्टिंग निकाला, यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको हम जंपर कर देंगे बाद में। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने फॉल्ट को सॉल्व किया आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो शॉर्ट किलर है ये आप अपने पास रख सकते हैं आपको जल्दी काम करना हो तो, क्योंकि मेरे पास काम की बहुत प्रेशर रहता है तो हमें बहुत जल्दी निपटाना होता है, जिस वजह से हम ये सब जुगाड़ रखते हैं ताकि फटाफट हम काम कर सके।
तो आप भी इस तरीके का रख सकते हैं, आपको आसानी होगी। ये देखिए पीएफ हमने निकाल दिया। अब जो है इसमें 3 PF ऑलरेडी लगा हुआ है, आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ शॉर्टिंग तो हम निकाल लिए हैं, अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसमें वोल्टेज जो है वो बनने लगा है या नहीं। चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं, यदि वोल्टेज बन जाएगा तो। हालांकि हम खाली नहीं छोड़ेंगे, पीएफ यहाँ लगा दें, एक नया पीएफ हम डालेंगे, स्केलर से निकालेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें सप्लाई कंप्लीट हुआ है या नहीं। शॉर्टिंग तो हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ देखिए 16 वोल्ट एवरीडी सप्लाई बन चुका है, यहाँ देखिए। और वी ऑन सप्लाई 31 वोल्ट बन चुका है, HVDD 8 वोल्ट, वी ऑफ VGL सप्लाई -10 वोल्ट, ये सारे वोल्ट जो है ओके हो चुका है। अब देख लेते हैं स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन में कोई पिक्चर कोई हरकत हुआ है या नहीं, ये भी हम पहले देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। नॉर्मली आप फट से गेट लाइन काट देंगे, CKV लाइन काट देंगे, ये आजकल कुछ ट्रेंडिंग में है। लोग पैनल आया कि नहीं फट से CKV लाइन गेट लाइन चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारी चीज़ों आपको समझना है, देखना है बारीकी से। अब पिक्चर बन चुका है, लेकिन हम यहाँ पर खाली नहीं छोड़ेंगे, PF एक तो डाल देंगे ताकि इसका लाइफ बना रहे। यहाँ देखिए हम स्केलर में से, पुराने जो स्केलर है उसमें से AVDD से ही हमने निकाला, AVDD की सप्लाई होती है वहाँ से निकाल कर हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ जंपर कर दिए बारीक वायर से। चाहते हम रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे लेकिन हम जंपर कर दिए उसमें। और पुराना स्केलर में से आप ये कैपेसिटर्स जो है निकाल के लगा सकते हैं, हमने इसमें से निकाला, आप देख सकते हैं AVDD के लाइन से ही निकाल के हमने इसमें डाल दिया और ये सेट ओके हो गया है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलकर आपको फॉल्ट ढूंढना होता है और उसको तलाशना होता है कहाँ फॉल्ट है। फट से आपको यहाँ वहाँ कट कुट नहीं कर देना है। तो दोस्तों मेरा एक सपोर्ट ग्रुप भी है, आप यदि आपको लगता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ी बहुत फीस है, पे करके भी एक साल तक मदद ले सकते हैं। आपको कोई भी फॉल्ट हो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है सारे। अगर आपको इच्छा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखिए पिक्चर इसमें बिल्कुल ओके है। तो इतने कम समय में हमने इस फॉल्ट को निकाला है। यदि आपके पास तरकीब ना हो, तरीका ना हो, तो हो सकता था आपको दिन भर लग जाता इस फॉल्ट निकालने में। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।